हेलो, वेलकम टू। अभी हम पढ़ रहे हैं मानव प्रजातियों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने मानव प्रजाति के अर्थ, परिभाषा, विशेषता तथा वर्गीकरण के प्रमुख जो आधार हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो विभिन्न मानव शास्त्री हैं उन्होंने मानव प्रजातियों को किन आधारों पर एवं किस प्रकार वर्गीकृत किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बर्नियर का वर्गीकरण। फ्रांसीसी विद्वान बर्नियर ने सर्वप्रथम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, 17वीं सदी के अंत की बात है। बर्नियर ने प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए जो मुख्य आधार है वो माना है त्वचा के रंग पे। इस आधार पर उसने प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया, यूरोपीय, एशियाई, अफ्रीकी, लेप निवासी तथा अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के निवासी। इसी प्रकार का कुछ वर्गीकरण कार्लोस लिनियस ने किया। उन्होंने भी त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों को विभाजन किया। लिनियस ने प्रजातियों को 4 भागों में बांटा। पहला यूरोपीय प्रजाति जिसका त्वचा का रंग क्या है, श्वेत। दूसरी अमेरिकी प्रजाति जिसकी त्वचा का रंग है लाल। तीसरी एशियाई प्रजाति जिसकी त्वचा का रंग है पीला। और चौथी अफ्रीकी प्रजाति जिसकी त्वचा का रंग है काला। फिर इसी क्रम में आगे हक्सले का वर्गीकरण प्रसिद्ध है। हक्सले ने वर्गीकरण का आधार त्वचा के रंग की बजाय बालों की आकृति को माना। उन्होंने इस आधार पर प्रजाति को 5 भागों में बांटा, ऑस्ट्रेलॉइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड, फिर सेंथ्रोकोइड तथा मेलेंट्रोइड। ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है उसके काले व लहरदार बाल, निग्रोइड प्रजाति के अत्यंत काले रंग के बाल, मंगोलॉइड प्रजाति के भी काले रंग के बाल किंतु बालों का घनत्व कम। फिर अन्य दो हैं जो श्वेत रंग वाले बालों वाले सेंथ्रोकोइड तथा जो गेहूं रंग वाले मेलेनक्रोइड। फिर आता आपका टोपिनार्ड का वर्गीकरण। टोपिनार्ड ने भी हक्सले के समान ही बालों की बनावट को आधार माना। तो टोपिनार्ड ने इस आधार पर 3 प्रकार की प्रजातियां मानी, सीधे बालों वाली प्रजातियाँ, फिर लहरदार बालों युक्त प्रजातियाँ तथा तीसरी छल्लेदार बालयुक्त प्रजातियाँ। यह है टोपिनार्ड का वर्गीकरण। फिर है जो फेमस वर्गीकरण है वो है आपके क्रोबर का वर्गीकरण। क्रोबर ने जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया उन्होंने जो कई आधार लिए, इसमें सबसे पहला आधार लिया त्वचा वर्ण या त्वचा का रंग। उसके आधार पर क्रोबर ने 3 मुख्य प्रजातियों में बांटा। इसके पश्चात उन्होंने अन्य आधारों के आधार पर इन जो 3 मुख्य प्रजातियों को 11 उप प्रकारों में भी विभाजित किया। तो जो कोबर के जो 3 प्रमुख आधार हैं, जो 3 प्रमुख प्रजातियां हैं त्वचा के रंग के आधार पर, वो हैं कॉकेशियन, मंगोलॉइड तथा निग्रोइड। तो जो कॉकेशियन प्रजाति है इनकी त्वचा रंग क्या पाया जाता है, श्वेत। और इस मानव प्रजाति को क्रोबर ने 3 उप प्रजातियों में बांटा, पहला नॉर्डिक, दूसरी अल्पाइन, तीसरी भूमध्य सागरीय। नॉर्डिक प्रजाति है वो कम चौड़ी नाक वाली, लहरदार बाल तथा छोटे सिर की चौड़ाई वाली। अल्पाइन प्रजाति है उनके बालों और नाक की आकृति नॉर्डिक प्रजाति से ही मिलती है, लेकिन उनकी सिर की चौड़ाई क्या होती है, नॉर्डिक जो प्रजाति उसकी तुलना में अधिक होती है। फिर तीसरा भूमध्य सागरीय प्रजाति, इनकी नाक और सिर की चौड़ाई इन दोनों प्रजातियों की तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। फिर है दूसरा मंगोलॉइड प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग पीलापन लिए होता है। इसकी जो उप प्रजातियाँ हैं वो हैं तो क्रोबर के अनुसार 3 उप प्रजाति, पहली है मंगोलियन, दूसरी है मलेशियन और तीसरी है अमेरिकी इंडियंस। जो मंगोलियन प्रजाति है उसके बाल सीधे, सिर चौड़ा,
ताक नाक मध्यम आकार की, ये उसकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। जबकि जो मलेशियन प्रजाति है उसका जो नाक का आकार है वो मध्यम आकार तथा सिर क्या है चौड़ा। वहीं तीसरी जो अमेरिकी इंडियन प्रजाति है उसका जो कद है वो क्या है अन्य प्रजातियों की तुलना में क्या है कम। तो ये है मंगोलॉइड प्रजाति। फिर तीसरी है निग्रोइड प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग सामान्यतः क्या होता है श्याम वर्ण का या काला होता है। इसके अंतर्गत जो क्रोबर के अनुसार निग्रो, मेलेनेशियन, ब्लैक पिग्मी, बुशमैन आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो जो निग्रोइड प्रजाति है इनकी कुछ शारीरिक विशेषताएँ घुंघराले बाल, शरीर पर बालों की कम सघनता, चौड़ी नाक तथा मध्यम आकार का सिर, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके पश्चात है ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया जो अपने जलवायु चक्र के आधार पे तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पे एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है माइग्रेशन जोन थ्योरी या प्रवास कटिबंध सिद्धांत। इसमें उन्होंने पृथ्वी के सॉरी जो पृथ्वी पर जो प्रजातियां हैं उनके उद्भव विकास तथा वर्तमान में जो पृथ्वी विभिन्न विभिन्न भागों में उनका किस प्रकार से वितरण प्रारूप मिलता है इस शब्द के बारे में चर्चा की। तो ग्रिफिथ टेलर का जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है इसके बारे में हम विस्तार से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी देख लेते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत में जो कितनी प्रजातियां या फिर प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया। तो टेलर ने बालों की बनावट, कपाल सूचकांक, नासिका सूचकांक, कद, त्वचा रंग आदि आधारों पर मानव प्रजातियों को निम्न 7 भागों में विभाजित किया। पहला निग्रिटो, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलॉइड, चौथा वो मध्य सागरीय, पाँचवा नॉर्डिक, छठा अल्पाइन और सातवें मंगोलिया। तो टेलर ने जो वर्गीकरण किया इसमें टेलर ने माना ये जो सबसे प्राचीनतम प्रजाति है वो है निग्रिटो। इसी प्रजाति का जो सर्वप्रथम उद्भव कहाँ था मध्य एशिया में। तो ये उद्भव संबंधी सिद्धांत है जिसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। फिर इनका स्थानांतरण होता गया और वर्तमान में जो निग्रिटो प्रजाति है वो कहाँ मिलती है जो मादी भ्रूण के एकदम छोर पे मिलती है। वर्तमान में देखें तो श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, न्यू गिनी और जो अफ्रीका में जो विस्तृत रेखीय वर्षावन है कांगो बेसिन है, भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र, इन सब के जो सघन जो पहाड़ी और वनीय क्षेत्र है वहाँ मिलती है। इनका सिर क्या होता है छोटे आकार का होता है और इनकी जो कद है वो क्या होता है कम होता है और इनका नासा सूचकांक सबसे अधिक होता है अर्थात नाक की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है सर्वाधिक होता है। फिर दूसरी है निग्रो, ये विकास क्रम में निग्रिटो के बाद में दूसरी सबसे प्राचीन प्रजाति है। तो इसकी कुछ सारी विशेषताएं जो कि क्रोबर ने बताई वो हैं इनके छल्लेदार बाल, इनका काला चॉकलेटी रंग और इनका भी जो नासा सूचकांक है वो अधिक होता है लेकिन निग्रिटो की तुलना में क्या होता है कम होता है। ये मुख्यतः अफ्रीका में जो सब सारा अफ्रीका है उसमें ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर है ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति, इनके जो बाल हैं वो मध्यम घुंघराले तथा त्वचा का रंग क्या होता है गहरा भूरा रंग होता है और इनका जो कद का आकार वो क्या होता है औसत होता है। ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, विशेषकर जो दक्षिणी भारत है और ब्राज़ील, इनमें कौन सी जनजाति पाई जाती है प्रजाति पाई जाती है ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति। फिर चौथी है भूमध्य सागरीय प्रजाति, इनके जो बाल हैं वो लहरदार, त्वचा का रंग इनका हल्का भूरा भूरा होता है और ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो पश्चिम एशिया क्षेत्र और अपन जो भारत का उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है मुख्यतः भूमध्य सागरीय जनजाति। फिर है नॉर्डिक प्रजाति, इसकी भी जो विशेषताएं हैं वो लगभग भूमध्य सागरीय जो प्रजाति उसके समान ही होती हैं लेकिन इसका नासा सूचकांक उससे कम अर्थात इसके नाक की चौड़ाई कम और सिरे सूचकांक
अधिक अर्थात सिर की चौड़ाई अधिक होती है। ये जो उत्तरी यूरोप रूस का जो क्षेत्र है वहाँ नॉर्डिक जनजाति सॉरी नॉर्डिक प्रजाति पाई जाती है। फिर है अल्पाइन प्रजाति, इसके विशेषता क्या है, सीधे बाल तथा श्वेत त्वचा का रंग, इसका स्त्री सूचकांक बहुत अधिक होता है वहीं नासा सूचकांक बहुत कम होता है। ये जो सेंट्रल एशिया का इलाका है और दक्षिण यूरोप का क्षेत्र है वहाँ अल्पाइन जनजाति सॉरी अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है। फिर है मंगोलियन प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति का सिर सूचकांक सबसे अधिक होता है, अर्थात इनकी सिर की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अधिक होता है, ये अधिक चौड़े सिर वाली प्रजाति है। और इनके त्वचा का रंग क्या होता है, पीत वर्ण का होता है। और नासा सूचकांक इनका सबसे कम होता है। ये जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र मंगोलिया चीन जापान वियतनाम इन क्षेत्रों में मंगोलियन प्रजाति पाई जाती है। तो ये जो विभिन्न वर्गीकरण है इनके आधार पे अगर इनको सामान्यीकृत करने का प्रयास करें तो जैसा कि क्रोबर ने बताया है तो विश्व की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, कॉकेसॉइड निग्रोइड तथा मंगोलॉइड। ये आपके सामने जो चार्ट है उसमें तीनों प्रजातियां तथा उनकी उप प्रजातियां और कुछ उनकी मिश्रित प्रजातियों का वर्गीकरण दिया गया है और ये विश्व में इनका वितरण है जिसकी मैंने अभी पीछे चर्चा की थी। अगर निग्रोइड प्रजाति को देखें तो ये मुख्यतः जो सब सारा अफ्रीका क्षेत्र है, अफ्रीका सुदूर दक्षिण को छोड़ के उसमें पाई जाती है। जो सुदूर दक्षिण में है जो आपके बुशमैन प्रजाति पाई जाती है जिसके बारे में आगे बाद में बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर ये जो यूरोप और सेंट्रल एशिया का इलाका है यहाँ कॉकेसॉइड जनजाति तथा पूर्वी यूरोप और जो एंग्लो और लैटिन अमेरिका क्षेत्र है उसमें उसकी जो जो आदिम जनजाति आदिम निवासी हैं वो कौन सी जनजाति से संबंध रखते हैं, मंगोलॉइड से। फिर आपकी हैं जो दक्षिण भारत क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में जो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, तो ये कुछ है प्रमुख प्रजाति हैं जिनका वितरण है और ये हैं जिनके बारे में पीछे हमने चर्चा की और यहाँ फिर और विस्तार से दिया गया है कॉकेसॉइड मंगोलॉइड तथा निग्रोइड प्रजाति के प्रमुख शारीरिक लक्षण। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो फेनोटाइप्स हैं बाहर शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पर प्रजातियों को विभाजन किया जाता है, तो वर्गीकरण कभी भी एक आधार पर नहीं किया जा सकता प्रजातियों का, इनके लिए बहुत सारे आधार होते हैं और वही सब आधार यहाँ दिए गए हैं जिनमें त्वचा का रंग कद मस्तिष्क का कपाट का आकार चेहरा बाल नेत्र नासिका शारीरिक गठन रक्त हो इन सब आधारों पे जो विश्व की समस्त प्रजातियों को तीन भागों में बांटते हैं कॉकेसॉइड मंगोलॉइड निग्रोइड और ये सब विशेषताएं आपके चार्ट में दी गई हैं। ठीक, अब हम आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे जो ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।